मोटी कमान है ये, जल का ईमान है ये, हवाओं की जान है ये, रूह की उड़ान है ये। असली भारत गांव में बसता है। एक वृक्ष को मजबूती देती हैं उसकी मजबूत जड़ें, और भारत की मजबूती और समृद्धि के पीछे हैं हमारे गांव। गांधी जी ने कहा था कि भारत का भविष्य उसके गांव में छुपा है। गांधी जी की इसी बात से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो शुरुआत गांव से करनी होगी। इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। गांधी जी हम सभी में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जरिए अनेक लोग देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि हम किस तरह से जो पढ़ाई की है, जो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया है, उसको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो गांव में रहते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए शाम को लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है, यदि ऐसे बच्चों को हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करके, सोलर लैम्प का उपयोग करके बिजली की व्यवस्था कर सकें उनकी पढ़ाई के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है मिलियन लाइट प्रोजेक्ट है, उसमें हम 10 लाख बच्चों तक ये सोलर लैम्प पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में खास करके हम गांव के लोगों को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें गांव के लोग ही लैम्प को बनाते हैं, गांव के लोग ही लैम्प को वितरित करते हैं, और गांव के लोग ही लैम्प को रिपेयर और मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। रोशन है रात जिनसे, हर कदम साथ जिनसे, सौगात उम्मीद जिनसे, उन्नत अभियान है ये। रोशन है रात जिनसे, हर कदम साथ जिनसे, सौगात उम्मीद जिनसे, उन्नत अभियान है ये। प्रत्येक शिक्षा संस्थान और इसी समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास है उन्नत भारत अभियान।